लगातार ये बता रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, और अब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान दिया। आपको बता दें मंगलवार को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का ले लिया है और अब सुनवाई यहां पर होगी और 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर पर पद्म विजेताओं की पीएम मोदी को चिट्ठी। चिट्ठी में 70 से ज्यादा पद्म विजेताओं ने पत्र लिखा है, महिला सुरक्षा पर सख्त कानून की मांग की है। तो आप देख रहे हैं कि देश में चारों कोनों से इस वक्त लगातार महिला सुरक्षा को लेकर जो सवालिया निशान यहां पर खड़े हुए हैं, खासतौर पर बंगाल में जो कुछ भी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ उसके बाद बहुत बड़े सवाल यहां पर उठते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कि अस्पताल के भीतर इस तरीके की बर्बरता एक महिला डॉक्टर के साथ हो जाती है, जिसके बाद ये बड़ी चिंता का विषय हो चुका है। महिला सुरक्षा पर सख्त कानून की मांग यहां पर पद्म विजेताओं की ओर से की गई है कि इस पूरे मामले पर सख्ती के साथ में कानून बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है पद्म विजेताओं की ओर से। तो पूरे देश में जो आक्रोश है, एक उबाल है, ये सवाल है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो हरकतें होती हैं वो सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े करती हैं। सीबीआई हर साक्षी को जुटाने की कवायद बहुत तेजी से कर रही है, यही कारण है कि सीबीआई की टीम भी यहां पर पहुंची और हाईली इक्विपमेंट्स के साथ। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची, जहां पर 4 घंटे तक मैपिंग की गई है और उस मैपिंग के जरिए एक सबूत जुटाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें सीबीआई की टीम और एफएसएल की टीम लगातार वहां पर पहुंचकर सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही है। कोलकाता मामले में आप देखिए आरजीकर अस्पताल में सीबीआई ने 4 घंटे तक मैपिंग की है, मैपिंग के जरिए कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया गया है, सबूतों को जुटाया जा रहा है। सीबीआई टीम ने तोड़फोड़ वाली जगह की भी जांच की है, जो कि 14 और 15 अगस्त की रात को तोड़फोड़ की गई थी। कैसे प्रदर्शनकारी अस्पताल के भीतर घुस गए थे, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करने के बाद सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और इसी को लेकर सीबीआई टीम ने मैपिंग की। और हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, आज 4 घंटे तक मैपिंग की गई है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है मैपिंग के दौरान भी? आज बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास पहुंची थी और अब से तकरीबन 5-7 मिनट पहले ही सीबीआई की टीम यहां से निकली है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, ये पूरा एक तरीके से इमरजेंसी वार्ड आप देख रहे हैं। इस पूरे इमरजेंसी वार्ड की आज मैपिंग जो है वो सीबीआई की टीम ने की है, अंदर भी और बाहर भी। पिछले 2 दिनों में सेमिनार हॉल से जुड़े तमाम सबूत जो है वो जुटाए गए थे, लेकिन आज जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची, जिस जगह पर हिंसा हुई 14-15 तारीख की रात को, वहां की भी मैपिंग की गई है, वहां के भी जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिगेशन यही लग रहे थे कि जो हिंसा की गई वो कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने के आधार पर की गई। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लीड उन्हें मिल रही है उस आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी दौरान सीबीआई की तकरीबन 5 सदस्य जो टीम थी वो आरजीकर अस्पताल पहुंचती है और यहां पर इस पूरे परिसर की जो मैपिंग है वो की गई है। मेरे पीछे अगर आपको तस्वीर दिखा पाएंगे, ये जो बाहर आप कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड की भी मैपिंग की गई है। दरअसल मकसद ये भी था कि जो सीसीटीवी की टाइमलाइन थी, उस सीसीटीवी की टाइमलाइन को अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी जगह देना और कितनी सच आई है उसमें वो देखना होगा कि 2 मिनट में क्या कोई व्यक्ति सेमिनार हॉल से निकलकर मेन जो एग्जिट गेट है इस अस्पताल का वहां से बाहर निकल सकता है या नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर ये मैपिंग करना बहुत जरूरी था और यही कारण था कि आज सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और इस पूरे इलाके की जो मैपिंग है, इस पूरे परिसर की जो मैपिंग है वो सीबीआई द्वारा साफ तौर पर किया गया है। आपको ये भी बता दें कि एक तरफ सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद थी तो दूसरी तरफ सीबीआई की जो दूसरी टीम थी वो अभी भी अपने दफ्तर में बैठी हुई है और वहां पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार इस मामले में पूछताछ का जो दौर है वो भी अभी तक चल रहा है। आपको बता दें कि उस पूछताछ में भी आज 3रा दिन है, कल और परसों इन 2 दिनों में 25 घंटे तक पूछताछ की गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप घोष के फोन को भी चेक किया गया है, हालांकि उनके पासवर्ड कुछ रिस्ट्रिक्टेड थे, यही वजह थी कि आज जब वो सुबह सीबीआई दफ्तर पहुंचे।
तो बिल्कुल लगातार हमारे सहयोगी जतिन को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम ने आज मैपिंग की है और वो फिलहाल सीबीआई वहां से जा चुकी है। लेकिन मृतका के पिता की अगर बात करें, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कैसे जब उनकी बेटी की हत्या होती है उसके बाद अस्पताल ने बिल्कुल भी उनका सहयोग नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर के पिता ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका सहयोग नहीं किया गया, पूरा अस्पताल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त है, ममता सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। ये लगातार उनके माता पिता की ओर से कहा जा रहा है कि अस्पताल का पूरा विभाग, पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक, इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जो क्रिमिनेशन घाट का बात बारे में बोलता है, शमशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। और बंगाल की ममता सरकार पर लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरे मसले पर जांच की गई है। अब गवर्नर ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि अब आगे गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए इस रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर। पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। सो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछना है क्या हो रहा है, लोगों को जस्टिस चाहिए, नीति चाहिए, न्याय चाहिए, देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल